सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग डट आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज के पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है और इतना टैबू है कि वन आई वेंट थ्रू दिस ऑल तो ये एक मेरे लिए न्यू रियलाइजेशन थी कि लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं लोग आपको पागल समझना शुरू कर देते हैं वो समझते हैं कि यू आर अन स्टार्टर आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई है यू लूज फ्रेंड्स ठीक है आपको कोई सपोर्ट नहीं करता देर इज़ नॉट राइट काइंड ऑफ अर सपोर्ट एज वेल Do you want to um, share a little bit about your life growing up and what you were like? Okay, so growing up, I was born in Riyadh. My take father care. was working over there. And it was not a really female-friendly environment. At that Saudi Arabia strict. Yeah, it was very strict. I guess my father was, uh, you know, he always used to take me out for cycling and he was gonna stay there for hours and hours until I, you know, bicycle around boys. So, I was w among very few girls who was able to go out and have fun. So, I, I think I grew up in a very protective kind of environment in that because sense. That families, but they all was also you equality There families but their dad always tell them that it's not safe and it's not good to out there. It's not, you know, culturally very... A good thing to do, but mm. my father always makes sure that we had fun. So that's the thing that I I really I can look back and I see how powerful that is, and that you know kind of uh, really translates into me that I always think that. Uh, because just because i'm a woman i should not hold back of doing anything i should have shaped. Yeah. Shape, it was my personality then shaped into a very powerful and very confident person you know a very strong person who would go out and do stuff and would not hesitate i'm a girl so i never thought about it that you know i'm a girl i can't do it so after a while when i did my completed my matric, i decided you know is this not you know, that's not how I want to, you know, I want to explore things. I want to go out. I want to have experiences. So I just told my father, so like, you know, I just want to go back to Pakistan. And he said, okay. okay. Yeah.

सिटी एफ एस सी के लिए मैंने वहाँ फैसलाबाद से किया बैदन आई लुक एट द फॉर्म इन क्रिस्टन कॉलेज एंड आई इंस्टेंटली फैन इन लव एन एस एड आई डू बाई टेक्नोलॉजी फ्राम देयर और वो चार साल ई वॉज द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ बिकॉज दैट यूनिवर्सिटी वॉज अंडर द चर्च के थी तो एक आपको थोड़ा रिलीजियस डायवर्सिटी भी थी कल्चरल डायवर्सिटी भी थी एंड आई थिंक उस टाइम पे शेरल होती थी दैट वॉज डीन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड बैक इन टू थाउजेंड आई थिंक सेवन में उन्होंने जब हमारा ओरिएंटेशन पहला दिन था उन्होंने हम लोगों को बुलाया

और क्या था एक होता है आपकी शुरू शुरू की दोस्ती होती है तो उसमें क्या हो गया कि चूंकि बातें करना लोग शुरू हो गए कि इंस्टेंटली जब आप लड़के को लड़की के साथ बातें करते देखते हैं तो दिन आपको यही लगता है कि एक्चुअली इनके बस अब यही होना है यही होना है सो so अगर कुछ था नहीं भी था ना तो द स्पेकुलेशन स्टार्टड अराउंड इट के नहीं कुछ होगा कुछ होगा एंड दैट वर रिड माई मदर सो मच एंड शी आसमी के क्या चल रहा है ना एंड मैंने उनको बताया कि सिर्फ़ एक फ्रेंडली दोस्ती है, है। uh, मज़ा आता है अच्छा होता है फ़न होता है और मेरा हमेशा से ये होता था आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाना शरारतें करना ज़रा वो हाँ, बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ। था एज़ कम्पेयर टू के घर में करना <laughs> तो लेकिन खैर उसका बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर कुछ सालों तक इतना बढ़ा कि मैं मेरी अम्मी ने कहा कि आप जो है इस तरह करें टाइम्स के इसको लीगली हमें एक नाम देना चाहिए

I was not really in. It was just a friend, and then it started. You know, everybody gathering and pressuring my parents. Okay, इसको बस इनको कोई कुछ करे कुछ करे कुछ करे जैसे अभी आज अगर नहीं किया तो कल को तो ये भाग जाएंगे. So then I I said okay fine क्योंकि उस time ना तो कोई ऐसा choice भी नहीं था मेरे पास ना मेरा कोई वो इरादा था ना कुछ you know I was just not looking at it. I was like let's go.

मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगी कि मुझे नहीं पसंद दे यू नो you know, रब ऑल द पास के मेरी तो बहुत दोस्ती थी वो तो सब बहुत अच्छा था यू नो सडनली बट माई हार्ट वज इन लाइक यू नो इन टू एयर एंड यू हैड नॉट अप फॉर दिस आई थिंक जब आपने पहले उनसे दोस्ती की होगी तो इट वॉज जस्ट के एज अ फ्रेंडशिप यू डेंट नो कि यू वुड बी लेड इन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट एंड द दिंक वो एज अ फ्रेंड तो मुझे बहुत अच्छा लगता था बट एज अ हजबेंड मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो इवन द थाट ऑफ हर्टिंग हिम एंड सींग नो टो हिम वॉज लाइक मुझे वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था एंड आई एंड सिंगट फर्स्ट टाइम एन आई मेंटली सो मच स्ट्रगल्ड आई आई स्टार्टड माई मेरे जो पढ़ाई है वो थोड़ी खराब होना शुरू हो गई ग्रेड्स मैंने कुछ इन ऑस्ट्रेलिया ओनली नो 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 आई वाज स्टडिंग इन एफ सी वो ah, so वहीं पे वही और वो खुद ऑस्ट्रेलिया में थे वो खुद ऑस्ट्रेलिया में hmm. तो मेरी एक थोड़ी सी होता है ना आपकी दिलचस्पी लाइफ में खराब होना शुरू हो गए आप सोचने लग पड़ते हो कि मैंने क्या डिसीजन लिया अब मैं क्या करूँ आई कॉन्ट इवन से रीजन यू नो लाइक देर वॉज यू आर नॉट अ परफेक्ट विक्टम यू नो यू नीड टू बी अ विक्टम देन वी कैन सेव यू ठीक है When there is अपेरेंटली apparently वी कैन नॉट सेव यू हम नहीं आपको बचा सकते क्योंकि ये तो सब सही है आप yeah. ही को एडजस्ट करना है ठीक है and अकॉर्डिंग टू सोसाइटी आप बेचारी भी नहीं थी और इनफैक्ट आप नाशुक्री कैटेगरी में भी जा सकती थी हा, हा, अगर आप कुछ कहती हैं तो बिकॉज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी यू हैव समथिंग विच यू डोंट लाइक जब क्या हुआ कि कुछ अर्से बाद जब मेरा मासूस खत्म हो गया तो माई मोम सेट के ना इट टाइम के थोड़ी रुक वुख सी कर देनी चाहिए तो मैंने अम्मी को बोला कि मेरा दिल नहीं मान रहा एंड देन शी सेट तुम पागल हो गयो हरी यू मैड तुम तो उससे बातें करती थी तुम तो उसके साथ घूमती फिरती थी तुम तो उस टाइम हो जब मैं मना करती थी तो तुम रुकती नहीं थी अम्मी बट दैट वॉज सेवन ईयर्स गो लाइक अभी ट्वेंटी एटीन है आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन एंड आई डू नॉट वॉन्ट दिस एंड शी सेड नहीं तुम्हारी तुम्हारी वजह से ये हुआ है तुमने तो अभी इसको हर हाल में करना है अब तो नहीं पीछे हटोगी एंड आई वॉज लाइक ओके आई अ शॉर्ट तो फिर क्या हुआ कि दिन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया ठीक है एंड उसके बाद मुझे मेरा मेंटल हेल्थ थोड़ा ख़राब हो रहा था मजीद देख के उससे ख़राब होना शुरू हो गया आई कैन नॉट टू दिस Because your ideology of life and my life is very different. I don't see any future with you. The type of future that I want for myself, mm -hmm. I don't see it with you. And I felt like the whole world. The fact that it's the first time in our family somebody asked for divorce, and especially the girl. And you said it directly. When I I don't want to make it very. सबके लिए मुश्किल तो दैट पर्सन टर्न मैड me अराउंड मी टर्न मैड दे ऐसा कैसे हो गया एंड देन ही स्टार्टेड लाइक यू नो इमोशनली abusing मी देन फिजिकली abusing मी एंड देन उस पर बहुत सारा टाइम वहाँ पे था मतलब बाहर के कंट्री में इट डजन लाइक कि आप बिल्कुल ही वो बेसहारा होते हो ऐसा नहीं होता बट आई फील कि अच्छा चलो थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा हो जाएगा बिकॉज दैट स्टिल द पसन दैट आई होल्ड डियर इरेस्पेक्टिव के मुझे शादी करनी है या नहीं करनी बट एज समय वी हैड गुड टाइम एंड आई विश हिम ऑल द वेल्थ स्टिल सी हिम एज अ परसन दैट आई केयर अबाउट ठीक है एंड दैट इज वाई आई आई एम टेलिंग हिम के लिविंग विद मी वुड नॉट बी गुड फॉर यू

तो छः महीने में पेरेंट्स you की वो फिजिकली मार रहा है या आई टोल्ड माई पेरेंट्स एंड दे कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था माई पार्ट ऑफ द स्टोरी यू नो सींग मी एंड दे सेड नहीं अगर कोई बेचारी होती कोई चुप करके बैठने वाली होती वो कहती तो हम मानते तुम तो तुम्हें तो कोई नहीं मार सकता यू नो यूर जस्ट वेरी स्ट्रांग तो तुमने कुछ ना कुछ किया होगा तुम्हारी स्टोरी में समथिंग इज नॉट एडिंग अप एंड देन आई सेड ओके कुछ सिक्स मंथ्स के बाद आई थिंक फाइनली ही रियलाइज्ड Okay, it's, I think I guess it's enough. And I said, I want to go back." And my parents was time, they were very angry, really, really angry. So when I came back home, Koebe would say, "You know, did anybody come to receive you at the airport?" No." And then even in the house, nobody was talking to me. So you came home by yourself. I came home by myself, and uh, you know, when I was thankful that you know, just having a shelter, like having a, a shelter. But I didn't realize, that, you know, going back to home would not be the same. You know, that, that, that the place that you used to call home, it's it doesn't feel like home anymore. And it was a conditional thing, right? That it will only be your home if you continue being married. Like suddenly. या इवन वेन दे वेन दे रियलाइज के ऐसा ये डिसीजन हम मतलब इसने ले लिया है एंड शी विल नॉट यू नो उससे पीछे नहीं हटेगी तो द रिजेंटमेंट एंड द एंगर एंड द साइलेंट ट्रीटमेंट वॉज अ लॉर्ड लाइक समटाइम्स ज़रूरी नहीं कि आप अल्फाज से ही किसी को मारें आप उसको सपोर्ट करना बंद कर दें आप उसको सेफ फील कराना बंद कर दें दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू समझना भी बंद कर या बंद कर दें मेरे इर्द गिर्द के फैमिली में कुछ एक दो रिश्ते थे जो कि वो ख़त्म हो गए एंड द रीज़न बींग मी लाइक उन लड़कियों की शादी ऐसी नहीं हुई क्योंकि उनके ख़ानदान में ऐसी लड़की है हाँ उन्होंने कहा कि आपकी फैमिली में एक ऐसी लड़की है जो कि इस तरह कर सकती है बाकी भी सब ऐसे ही करती होंगी इन इनका तो ए, ये तो ऐसे ही मुँह जोर से हैं सो एवरी बडी वॉज टर्न अगेंस्ट मी एंड एट दैट टाइम आई फल लाइक मैंने कुछ गलत कर दिया यू नो और सींग माई पेरेंट्स हर्टिंग सींग माई सिबलिंग्स गोइंग थ्रू स्टाफ लिसनिंगे आपके देखिए वन टू पीपल आर टूगेदर अलॉट हैपन ठीक है एंड दो थिंग्स डेट वी डू टूगेदर इट्स इट्स अ शेयर्ड प्रॉपर्टी अनिए अमानत होती है लेकिन जब हमारा क्या प्रॉब्लम होता है जब हम रिलेशनशिप से आदा होते हैं तो वी फील लाइक एक दूसरे के कपड़े फाड़ना यू नो कहा गया है कुरान में कि मर्द और, और एक दूसरे का लिबास होता है वेन देर लिविंग आई सी इन द सोसाइटी के आप एक दूसरे के इतने कपड़े फाड़ देते हैं यू डोंट रियलाइज के एट वन दैट या लेकिन नहीं हम लोग जब हम मुझे अपने सोसाइटी में यह मसला होता है कि जब हम दो रिश्ते दो लोग अलहदा होते हैं वो एक दूसरे को बेजत यू नो बेजत करके क्यों अलहदा होता है एक दूसरे को मेंटली हर्ट करके क्यों अलहदा होता है And why do we wish bad things to them, to people who cannot be with us? It's like in our society, also we need to find a culprit इन दैट कि कोई ना कोई तो बुरा कोई प्लेन वाइट में मासूम होगा कोई प्लेन वाइट में बुरा होगा दैट्स नॉट मोस्टली द केस पीपल जस्ट डोंट कनेक्ट द पज़ल डज नॉट फिट समटाइम्स एंड इट्स ओके इट्स नान ऑफ देयर ईच किसी की भी गलती नहीं होती है इट्स जस्ट डिन वर्क आउट फॉर सम पीपल बट उनको एक कल्परेट ढूंढना होता है पहले उसको बनाते हैं कल्परेट है फिर उसको देते हैं और स्पेशली द वेमेन तो बहुत ईजीली बन जाती हैं

तो आई फू डीप गट आई दिट समथिंग वेरी हॉरेबल एंड आई फेल्ट मुझे पनिश एक होना चाहिए पनिशेबल होना चाहिए तो मैंने आई थिंक आई हेवन आई डेंट हैम बैक होम आई डोट क्राई बिकॉज फिर उनको जो बातें मेरी वजह से सुननी पड़ी आई थिंक वो बहुत ही तकलीफ दे पार्ट था बहुत ज़्यादा बिकॉज आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी तरबियत पर बात आ जाती है ठीक है हम आ, जो क्लास होती है थोड़ी मिडिल क्लास होती है ऑल दे हैव इज़ लाइक देयर वैल्यूज़ एंड व्हेन योर वैल्यूज़ आर क्वेश्चन एज अ पेरेंट्स इवन दैट बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है वो चीज़ें और क्योंकि इट वाज अ फैमिली अफेयर तो हम फैमिली में जहाँ भी आप बैठोगे तो क्या हुआ कि माई ब्रदर ही टॉप्ड गोइंग आउट एंड सिटिंग विद द कजनस बिकॉज जो जो बातें हो रही थी मेरे बारे में तो एकदम से आप अपनी फैमिली को बहुत टूटता हुआ देखते हो आपके एक डिसीजन की वजह से और अपने पेरेंट्स को इस तरह देख के तो मुझे लग रहा था कि यू यू नो नो मुझे मुझे पनिश मुझे, you know, सजा मिलनी चाहिए सो आई लेफ्ट द हाउस लव दाउस इट के I, जो तुम्हारे दिल बिकॉज उस टाइम वो नाराज थे तो मेरे घर में बस उन्होंने कहा था जो दिल करता करो तुमने कर तो लिया ah. जो करना था यू नो इट दैट काइंड कम्स टू द पॉइंट के अब तो ऑलरेडी yeah. इतना कर दिया ha. में कि अब तो अब तो जो करना है करो मतलब yeah. वो उस टाइम के क्या कि उनको मेरे से कोई अच्छी उम्मीद ही नहीं रही थी तो वो एक उस स्टेज में था तो दस लाइक वर एवर तो फिर मैं कराची आ आगे एंड देन आई स्टार्टेड यू नो लिविंग ऑन माय ओन एंड सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन हॉस्पिटल और उनमें क्या होता था कि दिनाफील्ड के जब आप बाहर निकलते हैं इस माशरे में और आपको आपको लोगों को पता लगता है कि आप अकेले हो यानी आप अकेले लड़की हो तो पीपल इज कि आपने कुछ बुरा किया होगा या कुछ गलती हुई होगी या कुछ प्रॉब्लम है तभी आप अकेले रह रहे हो hmm. तो आई रिमेंबर नाउ एन आई लाइक यू नो आई ट्राई टू फाइंड अ प्लेस इन कराची एंड लाइक आई वॉन्ट टू आई नीड माई ओन प्लेस बिकॉज आई आई स्ट्रगल विद द आईडिया ऑफ होम तो आई मैं खुद घर बनाती हूँ तो मुझे घर लेने तो इज लाइक अकेले आपके पेरेंट्स कहाँ होते हैं उनको एहसास नहीं है आप अकेले इट्स ओके लाइक इट्स ओके अगर मुझे अकेले है तो और मैं यहाँ पे रह रही हूँ बट नहीं उनको लगता है कोई ट्रबल है एंड पीछे पीछे बातें करते हैं अकेले रहती है आता नहीं है कोई मसला तो यानी कोई आगे पीछे कोई है इसके हाँ, क्या, है? क्या काम करते हैं क्या काम है या देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक काफी सोसाइटीज और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में अलाउ भी नहीं करते के yeah. को रेंट करना या इनिशियली आई आई स्ट्रगल्ड मुझे कि मुझे लग रहा था कि वो कोई घर दे ही नहीं रहा घर दे रहा तो पकेगा अम नहीं आप अकेले रहते तो नहीं फिर वो अकेली आती हैं तो लड़के अगर मैंने घर लेना है तो मुझे पार्टी ही करनी है मुझे उसमें कोई खराब काम ही करना है जो कि शायद सोसाइटी के लिए वो नहीं है तो मतलब अकेली लड़की का ना कोई मोरालिटी है उसकी कोई सेंस ऑफ मोरालिटी भी नहीं है उसके कोई वैल्यूज भी नहीं है उसकी कोई इज्जत भी, भी नहीं है उसको तो बस मौका मिलेगा तो वो ऐसे आपे से बाहर हो जाएगी ना दैट्स वट वी थिंक और हमें लगता है इसीलिए हम अपनी औरतों को इतना ट्रस्ट ही नहीं करते बिकॉज हमें लगता है अभी इसको मौका मिला तो यहीं पर कुछ गलत होगा यहीं पर कुछ खराब होगा वेन वेमेन हैज़ फ्रीडम इज़ दिन अबी ट्रबल दैट्स हाउ आर और जो अगर बाहर होती भी हैं जो कुछ भी होते हैं उनके इर्द गिर्द हमारे पास कोई अच्छा नेरेटिव नहीं होता कोई उनके अच्छे हमारे कोई ख्याल नहीं होते हैं तो बहुत अरसे तक फिर उसके बाद Uh, मेरे बॉस का भी था यही एटीट्यूड था क्योंकि उसको ये लगता था कि यू नो किसी भी तरह का कोई भी फायदा जो है वो उठा सकते हैं बिकॉज दीज आर वलनरेबल गर्ल्स यू नो दीज आर द गर्ल्स कि दे कैन बिकम ईजिली प्रे आपका आप वो आराम से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी क्योंकि इनके तो आगे पीछे कुछ नहीं है और वो एक एक्जम्शन बना लेते हैं और उसी तरह से आपको टारगेट भी करते हैं इट ईजी टू बि आपके लिए टारगेट बनना बहुत आसान है hmm. आपको ब्लैकमेल करना बहुत आसान है आपको परेशान करना बहुत आसान है एंड आई एंड आई सॉ दैट डिफरेंस बिकॉज वेन आई यूज़ टू एस अपने पीछे यूनिवर्सिटी में तो मेरा ड्राइवर मुझे लेने आता था गाड़ी में एंड mm -hmm. लोगों के रवैये बिल्कुल चेंज होते थे हालांकि वॉज जस्ट मी सेम बट चूंकि मेरा ड्राइवर आता है गाड़ी आती है तो वो एक बहुत सेंस ऑफ के हाँ ठीक है लेकिन यहाँ पर जब मैं चल के आती थी तो दे चेंज ऑफ पूरा एटीट्यूड देखा एंड आई थिंक आई 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 फर्स्ट टाइम आई लिटरली रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज़ बींग वूमन इन दिस कंट्री लाइक हाउ अन सेफ दैट इज उस जगह पर रही और उस तरह से मैंटली मेरा और जो है वो इतना ख़राब होना शुरू हो गया कि बाई द एंड जब एन आई वेंट होम आई ब्रोक डाउन लाइक आई आई थिंक आई रिमेंबर आई डोंट रिमेंबर हाउ में कितने दिन हो गए थे जब मैंने खाया नहीं था पानी नहीं पीना था आई यूर ऑल नो एट दैन आई वेंट होम तो अपने घर क्योंकि उसने क्या किया कि इतना तंग किया है कि देन श्री उसने फाइनली बोला कि या ये यहाँ पे काम करेगी लड़की या मैं काम करूंगा सो इट कम्स डाउन टू दिस लेवल एंड देन दे हैड टू टू लेट मी गो फॉर अ सो देन देन यू वेंट वेंट बैक बैक एंड आई एंड उसके बाद आई फेल्ट लाइक माय लाइफ इज लाइक ओवर एक टाइम आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी थोड़ा सा इस तरह हो जाते हैं जो आपके जॉब है आपको उस पर भी इसी तरह से किया जाता है

आई डोंट रिमेंबर के मैं कहाँ हूँ मैं क्या हूँ ब्लैक आउट्स बहुत ज़्यादा होने लग पड़े एंड देन फाइनली पेरेंट्स दैन वेन दिस सॉ मी देर शॉक्ड बिकॉज दे नेवर सॉ मी बींग वीक ऑल देयर लाइफ एंड इवन माई ब्रदर यू केम टू मे सेट यू नो मुझे सबकी दुनिया में फिक्र होती थी तुम्हारी नहीं होती थी बिकॉज आई ऑलवेज न्यू देट यू कैन अ मैनेज यू आर सच अ स्ट्रॉग हैडेड पर्सन एंड सींग यू बिल्कुल <kul> जीरो हो जाना ही cried and then he said i'm sorry but i want you back i want my sister back fir aista aista i started taking therapy i started taking medicines until until now i'm on medicines you know mujhe sone mein itna problem hota hai i have ek medicine mujhe sone ke liye leni padti hai ek mujhe uth ke active hone ke liye leni padti hai and for some time i thought my career is over because i couldn't put nail polishes on nail polish itna tremors tha itna tremors tha even yeah hota hai ki agar मैं उठ के खड़े हो जाऊँ तो ब्लैकआउट हो जाता था और एंड आई जस्ट मुझे समझ नहीं, नहीं आता था दैन सम सफ़ाना बैठ जाओ सही हो जाओ लाइक like, इतना ज़्यादा मुझे मेंटली जो है लोगों ने और उनके रवैयों ने इतना आपको इफेक्ट किया आपको इस हालत तक ले गए यू नो दे जिस पुश यू टू दॉर्नर वेर यू ब्रुक डाउन एंड आई वॉज इन अ पर्सन जो कि बड़ा इजीली ब्रेक डाउन हो सकता था मैंने पूरा पूरा उनका मुकाबला किया बड़े खत्म हो गया लाइक like, इतना और तब फिर लोगों को रियलाइज हुआ ओके नाओ यू नो इसको अब हम इसको अपनी सिंपति दे सकते हैं बिकॉज अब, um, yeah, अब ये गिर गई गए या अब ये गिर गई है लेकिन जब तक खड़े थे तब तक एवरीबडी वॉज टेयरिंग यू डाउन हर कोई बस ये चाह रहा था कि इस तरह घिर जाए धक्का दे धक्का दे एंड पीपल आर में इसको क्या फर्क पड़ता है इसको क्या फर्क पड़ता है लाइक like, हर वक्त रोते धोते रहे तभी आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको फर्क पड़ता है द सोसाइटी इज़ वेरी हार्ड ऑन अ अस्ट्रॉग वुमेन दे लाइक वेमेन क्राइंग द लाइक वेमेन यू नो उनसे रहम सिंपत्ति मांगते हुए बट दे डिस्कस्ड वेमेन यू नो से हमें आपकी सिंपत्ति की जरूरत नहीं हम कर सकते हैं बस ये कहना है आपका किसी को भी होल वर्ल्ड टर्न अराउंड इट्स लाइक एक कश्ती जो होती है वो बहुत देर तक तूफानी समुद्र finally comes to the कम्स so i have a very good relationship with my family and the thing i did is like i i forgive people बिकॉज यू हैव को माफ़ करना पड़ता है इस मैंने ये नहीं कहा माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो आपके वैल्यूज हैं उससे हट जाएं माफ़ी का मतलब ये है कि यू नो यू हैव टू लीव बिहाइंड वॉट एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इतना बर्डन और जो बैगेज आप उठा लेते हैं समटाइम्स इट इट कैन पुट यू डाउन इट कैन मेक यू वेरी यू नो आपको फिर गिल्ट होता है या आप खुद टॉक्सिक हो जाते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है वन थिंग आई कैप्ट री प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई इतने सब चीज़ों के बावजूद भी आई नेवर लॉस्ड होप और दूसरा इर्द गिर्द लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज समबडी इज़ नॉट आस्किंग यू फॉर हेल्प डजेंट मीन के यू नो वो अगर वो नहीं करे और बींग अ स्ट्रांग वमेन अगर कोई है तो उनको सपोर्ट करें सबसे पहले उनकी रिस्पेक्ट करें लाइक रिस्पेक्ट दैम फॉर खुद से एक दूसरे सिटी में आके सब कुछ करना आसान नहीं होता किसी के लिए भी कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि अपना घर छोड़ के आए नो बड़ी बट इफ संबडी डी टेक्स अ स्टेप फॉर सब तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए राधर देन के आप उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर दो बस